तो अपनी कलम का परिचय देता हूँ कि कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है, कभी इश्क लिखती है, कभी प्यार लिखती है, कभी कभी किसी का एतबार लिखती है, कभी ये जलती धूप लिखे, कभी पेड़ की छांव लिखती है, और जब लोग अपनी जबां से बयां ना कर पाएं, तब ये श्रद्धा और साक्षी जैसी लड़कियों के घाव लिखती है। और मैं लिखता क्यों हूँ और लिखता क्या हूँ तो सुनिएगा कि लिखने बैठूँ तो अपने आप लिखता हूँ, लिखने बैठूं तो अपने आप लिखता हूं, भविष्य सोचता हूं तो इतिहास लिखता हूं, इतना अच्छा शायर मैं हूं नहीं मगर फिर भी कुछ खास लिखता हूं, और क्या बताऊं मैं आपको, दिल के जज्बात लिखता हूं। और कुछ पंक्तियां मैं उस व्यक्ति के चरणों में समर्पित करता हूं जिसके हाथों में वो जादू था कि वो बांसुरी भी पकड़ सकते थे और सुदर्शन चक्र भी। तो सुनिएगा कि तुम मेरा हाथ थामोगे केशव सोचा नहीं था, तुम मेरा हाथ थामोगे केशव सोचा नहीं था, तुम मेरा सहारा बनोगे केशव सोचा नहीं था, इस जगत में कृष्ण सा प्रेम ही सच्चा है, बाकी सब झूठे वादे हैं, हाथ उठाकर बोलो सारे सब कुछ राधे राधे हैं। और आप सभी ने महाभारत देखी होगी, आपने कर्ण को बड़ा ही पसंद किया होगा। तो जब कर्ण युद्ध कर रहे थे, उनका जो रथ का पहिया है वो भूमि में धस जाता है, उनका विद्या वो भूल चुके हैं अपनी, और निहत्ते कर्ण पर कृष्ण वार करने को कहते हैं अर्जुन से। तो सुनिएगा वो क्या कहते हैं कि उठो पार्थ प्रहार करो ये सूरज ढलने वाला है, उठो पार्थ प्रहार करो ये सूरज ढलने वाला है, तीर गले के पार कर दो ये रथ निकलने वाला है, वो सूर्य पुत्र है, दानवीर है, धर्ममय है, उसके साथ ये धोखा है, पर पार्थ इस योद्धा को मारने का केवल यही एक मौका है। और आगे वो कहते हैं कि तुम समक्ष ना उसके टिक पाओगे वो ऐसे अस्त्र चलाता है, तुम समक्ष ना उसके टिक पाओगे वह ऐसे अस्त्र चलाता है, तुम समक्ष ना उसके टिक पाओगे वह ऐसे अस्त्र चलाता है, घबराते स्वयं ईश्वर भी जब नाम उसका आता है, तुम्हारे इस रथ पर स्वयं पवन पुत्र विराजे हैं, फिर भी रथ पीछे जाता है, वो विजय धनुष को साजे है। और आगे मैं कहता हूँ कि उन्हें कुछ श्राप मिले हुए थे अपने जीवन में, तो सुनिएगा कि कुछ श्राप बने घातक रण में वो शूरवीर था हार गया, कुछ श्राप बने घातक रणवे वो शूरवीर था हार गया, धरती पर युगो युगों तक वह अमिट छवि था वार गया, वो योद्धा कुछ ऐसा था ईश्वर भी आए लड़ने को, निज वचन नहीं धूमिल हुआ वो रहा उपस्थित मरने को। और उस रण में पांडवों के हाथों के कांटे स्वयं ईश्वर ने हटाए थे, अर्जुन नहीं जीत सकते थे, कर्ण ने स्वयं कृष्ण ने जिताए थे। और आपने एक खबर सुनी होगी कि किसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए, तो हमने सोचा होगा इससे बुरा क्या होगा, हमने सुना कि किसी लड़की पर चाकू से वार किया गया और फिर उसका सर पत्थर से कुचल कर मार दिया, हमने सोचा इससे बुरा क्या होगा। लेकिन आपने खबर सुनी होगी कि मुंबई में एक व्यक्ति ने अपनी ही प्रेमिका के टुकड़े करके उन्हें कुकर में उबाल कर जानवरों को खिला दिया। तो एक समय ऐसा भी था कि लड़कियाँ पैदा होने पर उन्हें मार दिया जाता था, पर मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल ठीक होता था। मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी का सबसे छोटा बेटा ऐसी बात करने जा रहा है, ऐसी पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा है, तो सुनिएगा कि बेटी होने पर मार देना बहुत बड़ा पाप था, बेटी होने पर मार देना ये बहुत बड़ा पाप था, भारत माँ की इज्जत पर ये बहुत बड़ा अभिशाप था, पर अब लगता है उस बाप की ये जिम्मेदारी थी जिसने अपनी बेटी पैदा होने पर मारी थी। और आगे की पंक्तियों में मैं उन बेटियों का दर्द, उनकी चीखें व्यक्त करना चाहूँगा कि अगर इस धरती पर पैदा अगर मैं हो जाती, अगर इस धरती पर पैदा अगर मैं हो जाती, फिर किसी गली चौराहे पर तार तार में हो जाती, कुछ तो मासूमियत छोड़ो फूलों की इन कलियों में, आज भी चीखें गूंज रही हैं दिल्ली की उन गलियों में। चीखें चीखें क्यों चीखें नहीं सुनी मेरी भारत की सरकारों ने, क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी मंदिर के भगवानों ने, क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी पौरुष के अभिमानों ने, क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी जलती हुई मशालों ने, कब तक निर्भया की तरह हैवानों से दबोचा जाएगा, कब तक मुझे प्रियंका की तरह मेरे जिस्म को नोचा जाएगा, कब तक साक्षी की तरह मुझे चाकू से गोदा जाएगा, और कब तक मेरे जिस्म को यूं बाजार में बांटा जाएगा, आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा, आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा, अब बस करो, तुम्हारे इन सब कर्मों से भारत माँ शर्मिंदा है, इंसाफ दिलाने वालों बोलो जरा मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है। और हैवानियत का ना कोई धर्म होता है ना मजहब होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में पंकज मेहरा और साहिल गहलोत जैसे नाम बहुत कम सुनाई देते हैं, लेकिन अब्दुल और आफ्ताब जैसे नाम हमारे दिमाग पर छाप दिए जाते हैं। दो पंक्तियाँ कहता हूँ कि ना जाने इंसानियत कब जाके अपना सत्कर्म ढूंढेगी, इंसानियत ना जाने कब जाके अपना सत्कर्म ढूंढेगी, ये सियासत है जनाब सड़ती हुई लाशों पर भी मजहब और धर्म ढूंढेगी। और
देखिए, हम शायर हैं ना, हम उस महबूबा के लिखे बिना रह सकते हैं और ना ही हम अपनी भारत माँ की गरिमा को नीचे कर सकते हैं। तो अपने गुरु महेश्वरी जी की कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ कि तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूँगा, तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूँगा, तेरी जुल्फों के बादल को खुदा का वरदान लिखूँगा, मगर जो सोख ली स्याही तेरी आँखों की झीलों ने, मैं अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखूँगा।